विन विन का था ना आज। विन मतलब वन, नंबर वन, जितना विनिंग एटीट्यूड है उतना नंबर वन है। तो हर संकल्प में विजयी दिखाई दे। नर्वसनेस के संकल्प, जैसे बाबा कहते ना, नामो निशान हो जाए। विजयी के संकल्प, तो विजयी पना हर संकल्प में कैसे दिखाई देगा? जैसे कोई कार्य होता है, नहीं होता है, मेरा संकल्प उस कार्य के होने या नहीं होने से कनेक्टेड नहीं है। मेरा संकल्प श्रीमत के अकॉर्डिंग है कि इसमें भी कल्याण है, इसमें भी बहुत अच्छा है, तो फिर वो संकल्प में विजय है ना। तो संस्कारों में ये विजयी का नेचर, तो इसलिए हर संकल्प में विजयी। और दूसरा मन से प्रतिज्ञा, क्योंकि संकल्प में विजयी के लिए क्या चाहिए? मन से कोई भी, जैसे अभी यही संकल्प में हमें कर हम कर लेते हैं कि बस यही संकल्प करना है, विजयी का ही संकल्प करना है। इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, तो ये वाली प्रतिज्ञा, कोई भी प्रतिज्ञा की, तो बाबा ने उस मुरली में कहा संडे की, बाप से मन से प्रतिज्ञा करना इज इक्वल टू मन मना बाप। यही था ना, मन से प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा मतलब मुझे करना है और मुझे करना नहीं है, बस इसके दो ही स्टेटमेंट है। इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं आते, प्रॉमिसेस में इफ्स एंड बट्स नहीं आते। किस में आते इफ्स एंड बट्स? बहानेबाजी में आते हैं ना, अलबेलेपन में आते हैं। और ऐसे नहीं कि करना तो है तो वर्ड एक्चुअली ये हमारा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हो, एक ग्रे वाला नेचर भी नहीं। करना तो है, ऐसे नहीं करेंगे, ये सब ऐसे नहीं करें, बाबा ने बहुत अच्छा कहा है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसलिए कर लो, नहीं करेंगे तो शायद, कुछ भी ऐसे संकल्प आता है। तो ये मजबूरी से कुछ कार्य करना और मोहब्बत से करना, उसके मार्क्स में डिफरेंस आ जाएगा। कर तो रहे हैं, चाहे हम अमृत वेले करें, कुछ भी हमारा नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स ही अलग हो जाएंगे क्योंकि मजबूरी से किया। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग? बाबा ने कहा दादी को पूछा, नंबर वन आपको क्यों बनाया? तो दादी ने कहा कि मैं हर कार्य में स्वयं को देखती हूँ और बाप को देखती हूँ, कोई करता है या नहीं करता है उसको नहीं देखती हूँ। चीफ दादी को बनाया था, मतलब दादी का पुरुषार्थ क्या था? हम कई बार इधर उधर देखते हैं ना कि मुझे करना है बस, ये दादी का पुरुषार्थ। और इसलिए विनिंग, मोहिनी बहन बहुत बार बताती, विनिंग मतलब विल टू डू, कमिटमेंट, खुद के प्रति कमिटमेंट। जो संकल्प किया उसमें एक जैसे ना कमिटमेंट है, मैंने संकल्प कर लिया ना, जैसे दुनिया में होता है ना, बोल दिया इसलिए प्रॉमिस है, प्राण जाई वाला, लेकिन हमने संकल्प कर लिया ना, तो जो भी श्रेष्ठ संकल्प कर लिया वो कमिटमेंट है, और जो कमिटेड होगा वो रिस्पॉन्सिबल भी। इवन कुछ शब्द बोल दिया, श्रेष्ठ संकल्प बोल भी दिया, मैं कमिटेड, ये नहीं कि ठीक है ऐसे उस स्थिति में बोल दिया तब तो ठीक है, अभी अपने शब्दों की जिनको वैल्यू होगी ना उसको ही, वो ही कमिटेड हो सकता है। और नहीं तो फिर क्या होता है, कभी कभी हम बोल देते हैं नहीं करते, सुनने वाले को भी पता है ये ऐसे ही बोलता रहता है, मतलब मुझे दूसरे को भी मेरे वर्ड्स की वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमको अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं ना, ऐसे बोलता रहेगा और फिर उसके बोलने में हाँ हाँ अभी श्योर आज ही कल ही, लेकिन सुनने वालों को भी पता है, तो मुझे दूसरी की भी शक्ति नहीं मिल रही है, दूसरी की दुआएं नहीं मिल रही है, मेरे मेरे
नॉन कमिटेड नेचर के कारण। तो इसलिए विन नंबर नंबर वन, तो पहले ये विजयी वाला है, तो ये हम संकल्प करेंगे होमवर्क। उठते ही पहला संकल्प, मैं विजयी रतन, ये बार बार चेक करें कितनी बार हो सकता है, मैं विजयी रतन, ये मतलब मैं अपने आप को वरदान दे रही बार बार, मैं तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, तो भी अपने आप को वरदान दे। बाकी भगवान वाला तो चल ही रहा है ना, हाजिर नाजिर। अच्छा लगा पुरुषार्थ किया, बाबा साथ में बैठे हैं, बाबा इधर बैठे हैं, बाबा क्लिनिक में बैठे हैं, नहीं सब जगह इमर्ज कर सकते हैं, कितनों ने किया, हाजिर नाजिर, नजर नजर आता रहे। मैंने किया, कल रसगुल्ला बना रही थी तो मैंने कहा बाबा आप आज कुक भी बन जाओ, बाकी सब कुछ अच्छा। तो हो, सर्जन भी हो, जो आएगा उसमें, और रियली परफेक्शन होगा, तो नजर आता रहे, नाजिर नाजिर, हाजिर तो है नाजिर भी। तो मजा आया ना रसगुल्ला बनाने में। ठीक है, तो ऐसे सभी सब पूरे टाइम 20 टाइम तो करने, 20 टाइम तो क्या, कितने बार कर सकते हैं, सुबह से ही 10 बार हो गया, 10 बार भी क्या, चलता ही रहता। तो इसलिए कभी कुछ ऐसी आती है परिस्थिति घर में, हमको लगता है बाबा बैठा है ना, ये पहले से प्रैक्टिस की हुई होगी ना, तो लगेगा कि बाबा बैठा है। आप घर को छोड़ के भी जाओगे, बच्चे हैं, बाबा बैठा है, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई है, उस समय आह्वान नहीं करना पड़ेगा। ओके जी, ओके।